हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ परवल की मिठाई यानी पटल की मिठाई। कुछ लोग इसे पटल भी बोलते हैं। इसके लिए हमें लेना है फ्रेश पनीर, और कोशिश कीजिएगा परवल सभी लगभग एक साइज में हो, और ऊपर नीचे का जो पोर्शन है उसे काट देना है, और जैसे आलू को छीलते हैं ना, बस वैसे ही इसे छील लेंगे। और इसे फ्रेश कर लेना है धो करके, और एक बर्तन में पानी लीजिएगा। और यहाँ पे हमें लेना है खाने वाला चूना, दो चना के दाना इतना लेना है चूना, और इसे अच्छे से हाथों के घुमाते हुए पानी से इसे पानी में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद परवल जो हमारा उसे बीच से चीरा लगाएंगे, और हल्के हाथों से घुमाइएगा जैसे कि अंदर का बीज और गूदा नरम हो जाए और बहुत आसानी से निकल जाता है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं धीरे धीरे। इस तरह से निकाल करके अंदर से बिल्कुल खाली कर देना है, और चूना के पानी में हमें 4 घंटे के लिए डुबो कर छोड़ देना है। 4 घंटे के बाद आप देखेंगे बिल्कुल कड़क हो जाएगा। तो इसे करना क्या है कि फ्रेश पानी लेना है, और उंगलियों की मदद से इसे हमें आराम से अंदर की ओर रगड़ करके साफ़ कर देना है। और इसके लिए हम बनाएंगे चाशनी। तो इस जितना परवल है उसके हिसाब से मैं एक कटोरी से कम ली हूँ चीनी, और चीनी में 1/4 मतलब 1/4 पानी डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो चाशनी जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके बाद जैसे इस तरह से बुलबुला आने लगे तभी हमें फ्रेश तैयार किए हुए परवल को इसमें डाल देंगे, और इसमें धीरे धीरे उलट पलट के हम पकाते रहेंगे। और पानी ज़रूरत पड़ा अगर चाशनी सूखने लगेगा एकदम से, तो आप 1-2 चम्मच पानी दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरह से कलर चेंज हो जाए तब इसमें 2-4 इलायची कूट करके डाल दीजिएगा, और 1-2 मिनट के लिए से हमें ढक कर पकाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें भी अच्छे से इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। और अब देख रहे हैं चाशनी पूरी सूख गई, और इसको अब उतार करके ठंडा कर लेना है। और चेक कर सकते हैं पक गया है, इससे ज़्यादा नहीं सुखाना है। और इस तरह से देखिए जो चाशनी गाढ़ी थी इसलिए तले में चिपक गई, अगर आप ज़्यादा सुखाएंगे तो परवल भी नीचे चिपक जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। जैसे ही बिल्कुल आए हमें उतार लेना है, और अभी आप चेक कर सकते हैं इसे पक चुका है। इसे ऐसे भी खाने से अच्छा लगता है, और ये घर का खोआ तैयार किया हुआ है जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और इलायची यानी इलायची को कूट कर मिलाया गया है, और इसे इसी खोआ को इसमें आपको भर देना है। होममेड खोआ या मेवा बनाने का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। और भरने के बाद नारियल के बुरादे में इसे ऐसे लपेट दीजिए, आप चाहें तो बर्फ भी लगा सकते हैं, और इसे आप अपने पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।